अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी जाणी तेणे जाणी नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय ओ जय सद्गुरुवंदन तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न 504 गुजराती में 501 इस चौथे गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है। तीसरे गुण स्थान में 74 प्रकृतियों का बंध होता है जिनमें मनुष्यायु देवायु और तीर्थंकर प्रकृति इन तीन सहित 77 प्रकृतियों का बंध यहां होता तीन जोड़ दी। क्यों जोड़ दी? कि मनुष्य आयु का बंध चौथे गुण स्थान में होता है। होता है कि नहीं होता है? कैसे, कौन बताएगा? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सम्यक्त्व होने के बाद तो देवायु का ही बंध होता है और यहां तो मनुष्य आयु का बताया है। नहीं, उसकी तो बात चली नहीं रही। यहां तो चौथे गुण स्थान में ऐसा कहा है, जो वो बंद हुआ ना वो तो चौथे गुण स्थान में था ही नहीं उस समय। तो यहां तो चौथे गुण स्थान में मनुष्य ये का बंद। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध कैसे होता है, किनको होता है? नहीं, वो तो तीर्थंकर होकर चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। मनुष्यायु का बंध कैसे होगा उनको? उनके तो देवायु का ही बंध होगा। अगर तीर्थंकर प्रकृति का और इस भव में मोक्ष नहीं गया तो निश्चित रूप से वो तो देवी बनने वाला है। प्रश्न फिर से पूछो। प्रश्न, हाँ, तो फिर चौथे गुण स्थान में हो रहा है ऐसा कह रहे ना? एक बार प्रश्न वापस। यस, छाया बेन निकट आए हो। हाँ, ना ना, बंद किसी का हुआ ही नहीं है। यहाँ ऐसा समझो चौथे गुण स्थान में कोई व्यक्ति है, सम्यक्त्व है और उसको मनुष्य आयु का बंद हो रहा है, वो कैसे? गिरने, अपने गिरने की बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। चौथे गुण स्थान में है,
पर वो तो उसके लिए तो मनुष्य, वो तो सबके लिए। हाँ नहीं, वो मनुष्य गति का है, अल्पारंग परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। परंतु सिद्धांत ऐसा है कि सम्यक दृष्टि को तो देवायु का, पर कौन से अभी समझो आप, जो मनुष्य है उसी को। अब कोई देव है और देव सम्यक दृष्टि होते कि नहीं होते, अब उनको आयुष्य बंद होगा तो किसका होगा? मनुष्य आयु का, मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती देव, देव मनुष्य आयु का बंद कर सकता है। ये दिमाग दौड़ाना अपने को, कहां से क्या होता है, हमारा दिमाग फिक्स हो गया है तो, चौथा गुणस्थान मतलब मनुष्य, उसको फिक्स नहीं करने का अपने को, कभी सबकी अपेक्षा से कहा जाएगा। तो चौथे गुणस्थान में जो नारकी है उसको भी मनुष्य आयु का बंद होगा, चौथे गुणस्थान में जो देव है उसको भी मनुष्य आयु का बंद होगा, पर चौथे गुण स्थान में तिर्यंच और मनुष्य है उनको नियम से देवायु का बंध होगा, वो मनुष्य नहीं हो सकते हैं उनके। हाँ उनके सम्यक्त्व रहित अवस्था में हो सकता है, पहले हो गया वो तो चौथा गुण स्थान है ही, तो वह तो चारों गतियों का बंध होता है। तो अब समझो कि चौथे गुण स्थान में कौन कौन सी गतियों का बंध हो सकता है, कौन कौन से आयु का बंध हो सकता है। अब ये समझो, मनुष्य आयु का बंध होता है और देवायु का बंध भी होता है, होता है कि नहीं होता है? नरक आयु का होता है, तिरंच आयु का होता है नहीं? और चौथे गुण स्थान में कितनी, कौन कौन सी आयु का उदय रह सकता है, कौन कौन से आयु का उदय चौथे गुण स्थान में हो सकता है? चारों का। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला नरक नारकी भी है तो नरक आयु का उदय उसके, देव भी है तो देवायु का उदय है उसके, और तिरिंज है तो तिरिंज आयु का उदय है, और मनुष्य है तो मनुष्य का उदय। ये 148 प्रकृतियों को इस प्रकार से आप समझेंगे, ये दिमाग इतना चलने लगेगा इस विषय में, क्योंकि इसका इतना विस्तार है, हम बहुत सीमित सोच है अभी अपनी, पर नाना जीवों की अपेक्षा है जब हम बातें करेंगे इसकी। तो चलो, चौथे गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? उत्तर, तीसरे गुण स्थान में 100 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व के घटाने पर रही 99, इनमें 4 अनुपूर्वी और 1 सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, इन 5 प्रकृतियों को मिलाने पर 104 का उदय होता है। अब देखो, तीसरे गुणस्थान में 100 का था, बराबर है, चार्ट को निकालो। अब उनमें से तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र मोहनीय है, उसकी विच्छुत्ति हो गई, ठीक है, तो उसको निकाल ली, क्योंकि मिश्र मोहनी का उदय कौन से गुण स्थान तक रहेगा? तीसरे तक ही रहेगा, इससे तो चौथे गुण स्थान में तो रहेगा नहीं। अब यहां कह रहे हैं कि इनमें 4 अनुपूर्वी और 1 सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को मिला दिया। 4 अनुपूर्वी का मतलब क्या होता है? अनुपूर्वी का मतलब तो समझते हैं ना, समझ गए अभी। तो चौथे गुण स्थान में 4 अनुपूर्वी का उदय होता है, क्योंकि चौथा गुण स्थान चारों गतियों में होता है, तो मनुष्य से कोई देव गति में गया तो उसके विग्रह गति में मनुष्य आकार शरीर रहेगा, यह मनुष्य गति अनुपूर्वी। तिर्यंच गति से कोई देव गति अथवा मनुष्य गति में गया तो उसके विग्रह गति में तिर्यंच के शरीर का आकार रहेगा, वो तिर्यंच गति अनुपूर्वी हुआ। देव गति से कोई सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य में आ रहा है तो उसके विग्रह गति में उसके शरीर का आकार कैसा रहेगा? देव गति के, तो वो देव गति अनुपूर्वी हुआ। और कोई नारकी जीव सम्यक दृष्टि है वो मनुष्य में आ रहा है तो उसके विग्रह गति में
उसके नारकी शरीर का जो आकार था वो रहेगा, वो नरक गत्यानुपूर्वी है। तो चौथे गुण स्थान में चारों गत्यानुपूर्वी का उदय है कि नहीं, समझ में आया ना, इस प्रकार से उदय है। और सम्यक प्रकृति का उदय भी चौथे गुण स्थान में रहता है। सम्यक प्रकृति का मतलब जो देशघाती प्रकृति है उसके उदय से सम्यक तो होता है। कौन से सम्यक तो वाले को होगा ये सम्यक प्रकृति का उदय? तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को होगा। तो एक निकाल करके पांच मिलाई, सौ में एक तो निकाल दी और पांच मिलाई तो कितनी रही? 104 प्रकृतियों का उदय इस चौथे गुण स्थान में होता, 506। चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? सत्ता, तो सबका सबका सत्व रहता, अर्थात 148 प्रकृतियों का, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के 141 का ही सत्व रहता। क्षायिक सम्यक दृष्टि उसको 141 का, क्यों? दर्शन मोहनी संबंधी तीन और चारित्र संबंधी सात जो प्रकृतियां हैं उनका क्षय हो गया है इसलिए। और तो इसमें सादी और अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सत्व नहीं, यहाँ तो चौथा गुण स्थान का है। अच्छा, चौथा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, हाँ ऐसी, ये सात प्रकृतियों का नाश हो गया क्षायिक सम्यक दृष्टि के, और वो चौथे गुण स्थान में, तो उसके सत्व कितना रहेगा? तो इन सात को निकाल करके 141 का सत्व रहेगा। अभी आप जो अनादि वगैरह जो पूछ रहे हैं ना, वो ऐसा है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके कितनी प्रकृतियों का सत्व रहेगा? दो नहीं रहेंगे ना, सम्यक तो मोहनीय। एक ही जीव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कोई एक जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है उसके कितनी प्रकृतियों का सत्व रहेगा? एक सौ सत्रह वो जो बताई ना, वो ही 148 में से। हाँ, परंतु वो अनादि की अपेक्षा से नहीं समझना, वो सादी की अपेक्षा से समझना चाहिए। देखो कैसा है, अनादि मिथ्या दृष्टि के 146 नहीं, इससे भी कम प्रकृतियों का सत्व। 117 वो तो अभेद भेद अभेद विवक्षा से नहीं, अपने यहाँ कुल सत्व में 148 ही लेना, वो अभेद भेद नहीं करने का, 122 ने 120 सत्व में नहीं करना अभी अपने। देखो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब सर्वप्रथम तो ऐसा है कि उसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति नहीं है, दो घट गई। उनका सत्व उसको कभी नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? उसके बाद उसने वो तो वो करण करने के बाद ही होता है, सम्यक दृष्टि के बाद ही होता है, तो वो उसके रहेगी नहीं। हाँ, दूसरा तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं रहेगी, तीर्थंकर प्रकृति का कभी उसको आश्रम हुआ ही नहीं है कभी भी, क्योंकि वो कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं, तो उसके कैसे सत्व रहेगा? जब जिसका आश्रम कभी भी हुआ ही नहीं उसका सत्व कैसे रहेगा? कभी हुआ हो तो सत्व रहे, फिर उसका आश्रम हुआ, फिर मिथ्या दृष्टि हुआ तो उसका सत्व हो, परंतु यहाँ तो आश्रम ही नहीं हुआ है। आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, इसका ये सम्यक दृष्टि को ही हो सकता है और मुनि को ही हो सकता है इसका आश्रम। अब इसका आश्रम अनादि मिथ्या दृष्टि को कभी हुआ ही नहीं है तो आश्रम रहेगा कैसे? ऐसे बहुत सारी प्रकृतियां हैं जिनकी पहले गुणस्थान जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसका सत्व ही नहीं, और निकालेंगे तो और सारी निकलेगी जो सम्यक्त्व के सद्भाव में ही जिन प्रकृतियों का बंध होता है उन सारी का सद्भाव सत्ता उनके अनादि मिथ्या दृष्टि के है ही नहीं। बात समझ में आ?
पांचवा 507 देश विरत नामक पांचवे गुण स्थान का क्या स्वरूप है? उत्तर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से यद्यपि संयम भाव नहीं होता तथापि अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उपशम से लिखा है ना, वहां क्षयोपशम से ऐसा लिखना, उसमें क्या है उपशम है हाँ। चारित्र मोहनी संबंधित का उपशम नहीं होता, क्षयोपशम हाँ, या क्षय अवस्था ही होती है। क्षयोपशम इसको कर देना, ये मिसप्रिंट है ठीक है, क्योंकि जैसे अलका दीदी ने बताया कि चारित्र मोहनी कर्म का वो उपशम है वो तो ग्यारहवें गुणस्थान में ही होता है, उसके पहले गुणस्थान में होता नहीं है और श्रेणी में। तो उपशम से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उपशम से, तो यहाँ क्षयोपशम से ऐसा लिखना, श्रावक व्रत रूप देश चारित्र होता है, इसी को देश विरत नामक पांचवा गुणस्थान कहते हैं। पांचवे आदि ऊपर के समस्त गुणस्थानों में सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का अविनाभावी सम्यक ज्ञान अवश्य होता है, इनके बिना पांचवे छठे आदि गुणस्थान नहीं होते। तो जो चौथा गुणस्थान वाला है उसके जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्षयोपशम हो जाता है, अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, तो उसके पांचवा गुणस्थान आता है, उसको देश विरत कहते हैं। उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? तो आध्यात्मिक स्वरूप ऐसा है कि जिसके अंदर संकल्प पूर्वक की हिंसा का त्याग होता है और संकल्प पूर्वक का बुद्धिपूर्वक का अबुद्धिपूर्वक का स्वरूप विशेष रूप से स्वरूपाचरण चालू हो जाता है और उसकी प्रति समय गुण श्रेणी निर्जरा होने लगती है, हर समय गुण श्रेणी निर्जरा उसकी प्रारंभ हो जाती है, अर्थात संवर निर्जरा उसकी लगातार होती रहती है। ये सब इसके स्वरूप हैं। उसके जीवन में ऐसा हो जाता है कि ये भाव तो मैं करूंगा ही नहीं अथवा होते ही नहीं, जैसे त्रस्त जीवों की हिंसा के उसके संकल्प पूर्वक के भाव तो होंगे ही नहीं, अबुद्धिपूर्वक होंगे, विवशता से होंगे। ऐसा नहीं है कि पांचवें गुणस्थान में त्रस जीवों के घात का संपूर्ण नाश हो गया है, ऐसा नहीं है। त्रस जीवों का घात भी वहां कुछ अंशों में है, होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है भोजन आदि में कि वो उसको होता है, परंतु वहां संकल्प पूर्वक उसका त्याग करना ऐसे नहीं चलता है तो वो करता। ऐसे ही मुनि अवस्था में भी समझ लेना कि त्रस जीवों का घात है वो उसके मुनि अवस्था में भी होता है पर संकल्प पूर्वक और प्रमाद पूर्वक नहीं है, तो यहां भी प्रमाद पूर्वक नहीं है, जितना बच सकता है उतना बचता है परंतु नहीं बचता है फिर होता है। जैसे मुनि को श्वास लेना पड़ता है, श्वास लेने में ऐसा नहीं है कि केवल वायु का एक जीव को ही परेशानी, श्वास लेने में उस श्वास के साथ त्रस जीव भी आते हैं, वो इतने इतने सूक्ष्म होते हैं, उनका घात होता है, अब क्या करें मुनि, परंतु श्वास लेनी ही पड़ती है, श्वास के बिना काम चलता नहीं है, इसलिए उसका वो त्याग कर सकता नहीं है, पर प्रमाद पूर्वक उसकी हिंसा किसी प्रकार से नहीं है। तो ये संकल्प जागता है, मैं ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा, बस संकल्प का नाम ही पांचवा गुणस्थान है, वो भी आंशिक संकल्प। पंच विषय थी विरक्त बुद्धि ना अंकुरो जेने फूटिया, इसको समझिए कौन सा गुणस्थान है, पांचवा गुणस्थान कहलाता। हाँ तो वो रहते ही जो मुनि पालन करते छठे गुण स्थान में, वो बुद्धिपूर्वक जितना हो सके उतना त्रस जीवों का घात नहीं हो और स्थावरों का घात नहीं हो,
इसका प्रयत्न करते हैं, बाकी उनसे नहीं जम चल उतना तो होता ही, अब चलना पड़ता है। तो क्या स्थावर जीवों के हिंसा का त्याग है तो चलना पड़ता है, तो पृथ्वी पे चलेंगे कि आकाश में चलेंगे, कहाँ चलेंगे वो? पृथ्वी पे चलेंगे, पृथ्वी को कष्ट होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी का एक जीव है वो, परंतु चले बगैर चलता नहीं है, चलना ही पड़ेगा वहां पर। तो स्थावर जीवों का कोई संपूर्ण त्याग थोड़ी हुआ वहां, उनके आवश्यक जो है वो तो होता है, और पृथ्वी को क्या प्रासुक करके थोड़ी चलेंगे वो? प्रासुक पृथ्वी का अर्थ होता है उसने पृथ्वी का एक को प्रासुक नहीं किया, मृत नहीं किया है उसने, प्रासुक पृथ्वी का ये अर्थ होता है कि उसने वहां से त्रस जीवों को हटाया, स्थावर को नहीं हटाया है वहां पर, और स्थावर के ऊपर तो पैर दे करके चल ही रहे वो तो। पर इसका त्याग हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो जिसका त्याग नहीं, तीर्थंकर से भी नहीं हो सकता, दूसरे की तो बात कहां कर, उससे भी नहीं हो सकता इसका, वो भी विहार होगा तो उनके शरीर से भी वायु टकराएगी कि नहीं टकराएगी, सब होगा वो तो। तीर्थंकर के भी श्वासोश्वास है नहीं, ऐसा भी नहीं। पांचवे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? चौथे गुण स्थान में 77 प्रकृतियों का बंध कहा है, उनमें से विच्छिन्न 10 विच्छुत्ति होगी चौथे गुण स्थान में, कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये तो चौथे गुण स्थान में ही विच्छिन्न हो गए, इसलिए पांचवें गुण स्थान में उनका उदय बंध नहीं होगा। मनुष्य गति का बंध पांचवें गुण स्थान में नहीं होगा, पांचवें गुण स्थान में कौन सी गति का बंध होगा? और देव गति का नियम से बंध होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि पांचवा गुण स्थान मनुष्य को ही होता है, इसलिए आगे आयु का बंध और गति दोनों वही होंगे। हाँ सॉरी, तिर्यंज का पांचवा गुण स्थान तिर्यंज का होता, पर उसके भी देव गति का ही बंध होगा, अन्य बंध होगा नहीं। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र ऋषभ नाराज सनन, इन सबका होगा नहीं। वज्र ऋषभ नाराज सनन का क्यों नहीं होगा? जबकि सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, उनको बंध होना चाहिए वज्र ऋषभ नाराज सनन का। अपन कहते हैं ना सम्यक दृष्टि को उत्तम शरीर मिलता है वगैरह, यहाँ तो सम्यक दृष्टि की विच्छिन्न हो गया, यहाँ तो आते ही सम्यक दृष्टि पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया ने विच्छिन्न हो गया वज्र ऋषभ नाराज सनन, ऐसा क्यों? समझ में आती है? दिमाग लगाओ, यहाँ सब दिमाग लगाने का। पांचवें गुण स्थान वाले को वज्र ऋषभ नाराज सनन का बंधन क्यों नहीं होता? हाँ? नहीं ऐसा तो नहीं, वो तो देवलोक में जाएगा, पांचवा गुण स्थान वाला नियम से देवलोक में जाएगा, मतलब उसके कौन सा शरीर होगा? वैक्रिक शरीर होगा उसके, और अगर वज्र ऋषभ नाराज का बंद कर लेगा तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? मनुष्य में आना पड़ेगा, और पांचवें गुण स्थान वाला मनुष्य में आता इसलिए बंद करता नहीं है, इसलिए उसके वैक्रिक शरीर का ही बंद होता है, और देवों में सहनन नहीं होते हैं वैक्रिक शरीर में। ये बंद है वो भैया जी, नेक्स्ट भव की अपेक्षा से ही होता है। हाँ, अगला जो उसको उदय में आना होता है उसका उस गुण स्थान में बंद होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि बंद करे फिर जब मनुष्य बने तब उसको वज्र ऋषभ नाराज सनन मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है, पांचवें गुण स्थान में ऐसा नहीं है, चौथे गुण स्थान में ऐसा, उस गुण स्थान में जो होगा, बहुत से कर्मों के विषय में ऐसा है पहले बंद करे और फिर बाद में उदय बाद में आए, और कुछ कर्म जो नेक्स्ट भव में ही उदय में आने वाले हैं सहनन वगैरह, उनको तो वो उसी भव में करता है आयु वगैरह। आपने बताया कि वज्र ऋषभ नाराज वो मनुष्य में आ गया, तिरंज भी हो सकता है ना, तंदुल मत्स्य था। हाँ हो सकता है उसका, परंतु
सहनन एक्चुअली हड्डियों की अपेक्षा से ही बताया गया है और वो मुख्यतः से मनुष्यों की अपेक्षा से उसको बताया, पर उसको भी वो सहनन होता है। पांच सौ नौ, पांचवें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो चौथे गुण स्थान में 104 प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें विच्छिन्न प्रकृति 17, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इनका, ये विच्छुत कौन चौथे गुण स्थान में होगी। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादे, अयशस्य कीर्ति, इनके घटाने पर 87 प्रकृतियों का उदय रहता है। इन सब का उदय पांचवें गुण स्थान में नहीं रहता है। किन किन का नहीं रहेगा? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, ये तो समझ में आई गया अपने को। फिर देवगति का उदय भी पांचवें गुण स्थान में नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि पांचवें गुण स्थानवर्ती देव नहीं होते हैं, मनुष्य ही, हाँ मनुष्य तिरंजी होते हैं। इसी प्रकार से देवगत्यानुपूर्वी का भी नहीं होगा, देवायु का भी उनके उदय नहीं होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा? यहां उदय की बात चल रही है, अभी पहले बंद की बात चल रही थी, यहां उदय। हाँ, नरक गति का भी उसके उदय नहीं रहेगा, क्योंकि नरक नारकियों में भी तिरंज नहीं होते, अरे पांचवें गुण स्थान वाले नहीं होते। नरक गत्यानुपूर्वी का नहीं रहेगा, नरकायु का नहीं रहेगा, वैक्रिक शरीर का भी उदय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वैक्रिक शरीर किसको होता है? देव को, देव और नारकियों को ही होता है। वैक्रिक अंगोपांग का भी नहीं रहेगा, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का, तिरंज गत्यानुपूर्वी का भी नहीं रहेगा। दुर्भग, अनादे, अयशस्य कीर्ति, दुर्भग का भी नहीं रहेगा, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में दुर्भग मतलब, दुर्भग का मतलब किसी को प्रीति कर न हो, इस प्रकार का शरीर होता नहीं। क्यों नहीं होता है? कि चौथे गुण स्थान वाले जीव को ही अगला जो भी शरीर मिलने वाला है उसमें सुभग नाम कर्म का ही नियम से बंध होता है, और बाद में उदय भी उसके पांचवें में हुआ है। अनादे इसका भी नहीं होता है, और अयशस्य कीर्ति, पांचवें गुण स्थान में अयशस्य कीर्ति होती नहीं है, का उदय होता नहीं। उस दिन बात चली थी ना अपने, सीता माता का अवर्णवाद हुआ, ठीक है, सारी दुनिया में उनका अपयश फैला, तो उस समय वो कौन से गुण स्थान में होंगे? यहां ये लिखा है कि पांचवें गुण स्थान में अयशस्य कीर्ति का उदय नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय वो कौन से गुण स्थान में होंगे? चौथे। और जब बाद में उनकी समस्त जगत में प्रसिद्धि हुई तो उस समय उनका कौन सा गुण स्थान आया होगा? आरी का जैसे ही बने वैसे उनके पांचवा गुण स्थान आ गया, और जैसे उसके पहले कौन सा गुण स्थान होगा अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो चौथा, पांचवा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अपयश फैला, और अपयश नहीं फैलता है। किसी मुनि के अपयश फैल रहा है तो वो मुनि कौन से गुण स्थान वर्ती कहेंगे? वो चौथे से आगे ही नहीं हो सकता हो। क्यों? क्योंकि इस कर्म का उदय नहीं हो सकता है, उसके उदय है इसका मतलब उस गुण स्थान में नहीं हो। ऐसे इन कर्मों के उदय से पता चलता है कौन सा किस किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है। परंतु यहां यश और अपयश का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आश्रम में रह रहे हैं और आश्रम में रहने वाले में आश्रम में किसी का अपयश है तो उसके अपयश नाम कृति का उदय, ऐसा नहीं है। यहां तो पूरे जगत में, सारे विश्व में की बात चल रही है, उसी को रहता है। उसके लिए पुण्य का उदय भी ऐसा होना चाहिए जो जीव पूरे जगत में प्रसिद्ध है उसी के अपयश नाम कीर्ति का भी उदय होगा। क्योंकि इसकी प्रसिद्धि नहीं है तो उसके
उदय कैसे होगा अपयश का, जिसको सारे तीनों लोकों में लोग जानते हैं, तीनों लोकों में लोग जानते हैं उसका यश फैल रहा है, उसी का तीनों लोकों में अपयश होगा। बस समझ में आ रही है? इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में किसी का अपयश हो रहा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो बड़े बड़े मुनि वगैरह ये जो होते हैं किसी का, तो तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धियां होती हैं। सीता जी जैसे कि तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धियां होती हैं, और अपयश होता तो भी किस तीनों लोकों में होगा। जो आयु का बंद होता है उसके साथ ही गति और गत्यानुपूर्वी और आयु के गति, आयु और गत्यानुपूर्वी ये साथ साथ बंद होता है उनका। और अलग अलग गुण स्थानों के पहले गुण स्थानों में तो चारों का होता है, उदय अलग अलग गुण स्थानों में होता है। अब नरक गति का उदय होगा तो वहां नरक गत्यानुपूर्वी का भी होगा, इस प्रकार से उदय अलग अलग जगह चलता है। पांचवें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है, तो चौथे गुण स्थान में 148 का सत्व रहना कहा है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृति एक नरकायु के बिना 147 का सत्व रहता है। ये सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से वो बताया गया। सत्व मतलब सत्व केवल एक नरकायु का ही घटता है, अब उसको इसका सत्व कभी नहीं रहेगा, सत्व ही निकल गया, मतलब इसका मतलब ये कि अब ये नरक आयु में कभी जाएगा नहीं, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के अपेक्षा 140 का ही है। क्यों? क्योंकि 7 घटा दी, तो नरकायु 1 और 7 वो, तो 140। इसमें वो सम्यक तो मोहनी है और वो नहीं है, वो तो नहीं, यहां सत्व की बात कर रही है, वो तो रहेगी, वो तो उदय में रहेंगी, उनको शोभक्षम सम्यक दर्शन रहेगा, शोभक्षम सम्यक दृष्टि को वो तो रहेगी, सत्ता में तो रहेगी, वो उदय कभी भी आ सकता है, सम्यक प्रकृति ही उदय में रह सकती है, बाकी मिश्र मोहनी का उदय तो तीसरे में आ जाएगा, वो तो उदय नहीं रहेगी, पर सत्ता में ये सारी प्रकृतियां रहती है एक नरकायु को छोड़ करके। 511 छठे प्रमत्त विरत नामक गुण स्थान का स्वरूप क्या है? उत्तर, संजोलन और नौ कषाय के तीव्र उदय से संयम भाव तथा मल जनक प्रमाद ये दोनों ही युगपत होते हैं। यद्यपि संजोलन और नौ कषाय का उदय चारित्र गुण का विरोधी है, तथापि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम होने से प्रादुर्भूत सकल संयम के घातने में समर्थ नहीं है, इस कारण उपचार में संयम का उत्पादन कहा है, इसलिए इस गुणस्थान वर्ती को प्रमत्त विरत अर्थात चित्रला चरणी कहते हैं। चित्रला चरणी, चित्रल का मतलब होता है चितकबरा, चितकबरो कहे ना अपने बच्चे बच्चे टपका होए कबूतर चितकबरो कहवाए छे, हाँ काबर चित्रो हाँ। क्यों? क्योंकि वो कभी छट्टे में आ जाता है, इसलिए उसका आचरण है वो एकदम शुद्ध रहता नहीं है। शुद्ध का मतलब क्या है? पूर्ण शुद्ध निर्विकल्प अवस्था में रहता नहीं, भी प्रमाद दिखता है। 15 प्रकार के प्रमाद जहां पर हैं उसको छठा गुण स्थान कहते हैं, पर वो 15 प्रकार के प्रमाद हमको हैं ऐसे नहीं है, उनके प्रमाद अलग प्रकार से होते हैं। जैसे 4 कषाय का उदय, तो छठे गुण स्थान में चारों कषाय का उदय रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? तो संजुलन क्रोध मान माया लोभ इनका उदय रहता है, ये प्रमाद है वहां पर। यहाँ तीव्र जो स्थूल संजुलन क्रोध मान माया का उदय है वो वहां प्रमाद है। पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन छठे गुण स्थान में होगा कि नहीं होगा? होगा। भोजन कर रहा है तो उसके साथ वो रसना इंद्रिय भी का विषय भी है, सारे विषय हैं, अथवा कोई भी गंध वगैरह जो भी है, तो उसके साथ पांचों इंद्रिय के विषय आ गई, तो वहां उस अपेक्षा से रहेगा,
ऐसा नहीं कि वो परिस्त्री सेवन कर रहा है ना, ऐसा ऐसा पंचेंद्रियों का सेवन नहीं है वहां पर, भोजन आदि के निमित्त से उसको अव्यक्त है, यत्न पूर्वक का है। फिर उसको विकथाओं का भी है, 15 चार प्रकार की विकथाएं, मुनि अवस्था में 4 प्रकार की विकथाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती है? छठे गुण स्थान में हो सकती है, क्यों? देश समाज की जानकारियां रखेंगे कि नहीं रखेंगे मुनि? समाचार पत्र में आज ये हो रहा है, कोई श्रावक आए तो भाई इस देश में ये हो रहा है, इस प्रकार का रहा है, राजकथा भी होगी, देश कथा भी होगी, स्त्री कथा भी होगी, भोजन कथा भी होगी, ये सब कथाएं होंगी, मतलब उनकी बातचीत होगी, मुनि को बताएंगे अपने मुनियों को कि इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, ये ऋतु बदल गई है, अब इस ऋतु के अनुसार अपने को इन इन चीजों का त्याग करना और इन इन चीजों का, ये कौन सी कथा है? भोजन कथा ही तो है, पर हम जैसे कथा करते हैं ऐसे कषाय पूर्वक नहीं होती उनकी कि ये भोजन अच्छा नहीं, ये भोजन खराब है, ऐसी कषाय नहीं होती उनकी, उनका प्रमाद अलग प्रकार का होता है। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि का प्रमाद सातवें गुणस्थान में ले जाने वाला होता है। कैसा होता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनि का प्रमाद सातवें गुणस्थान में ले जाने वाला होता है, परंतु वो सिद्धांत दृष्टि से तो प्रमाद ही है, जिसे व्याख्यान कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रमाद। क्यों प्रमाद है? क्योंकि आप योगों की प्रवृत्ति कर रहे हो और स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे हो, इसी का नाम प्रमाद कहलाता है। वो अलग बात है, तो इसलिए उसको चित्रलाचरणी कहते हैं। छठे गुण स्थान में बंद कितनी प्रकृतियों का होता है? तो पांचवें गुण स्थान में 67 प्रकृतियों का बंध होता है, उनमें से प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ, इन 4 विच्छिन्न प्रकृतियों के घटाने पर शेष रही 63 प्रकृतियों का बंध होता है। तो अब छठे गुण स्थान में क्या है कि प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ का उदय नहीं रहेगा, तो इतनी घटा दी। 513 छठे गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो पांचवें गुणस्थान में 87 प्रकृतियों का उदय का है, उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 8, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, उद्योत और नीच गोत्र, इनको घटाने पर शेष रही 79 प्रकृतियों में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृति मिलाने से 81 प्रकृतियों का उदय रहता। तो तिर्यंच गति का उदय भी छठे गुणस्थान में नहीं होगा, तिर्यंच आयु का भी नहीं होगा। क्यों? तिर्यंच गति का उदय नहीं होगा, तिर्यंच आयु का उदय भी छठे गुणस्थान में होगा। क्यों? तिर्यंच उदय तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुनि है। हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि के तो होता है, तिर्यंच आयु का भी उदय होता है, तिर्यंच गति का भी। मुनि है तो वो मनुष्य होगा, मनु जो मुनि होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, इसलिए उनकी तिर्यंच गति और तिर्यंच आयु का उदय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कारण भी हमको सबके पता होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ लिए, हमको हर कर्म का कि ये उदय नहीं हो तो क्यों कारण। अभी मैंने इस बार प्रश्न पत्र सरल बनाया, इसका अगर मैं कठिन प्रश्न पत्र बनाऊं 100 नंबर का, कभी आप लोगों को बहुत गहन इच्छा हो इसकी पढ़ने की तो अपन इसको पढ़ेंगे, पर ये इतना रुचिकर विषय है। उद्योत का भी नहीं होगा, उद्योत ये आज्ञा वगैरह जो होते हैं तिर्यंचो तक होता है, उसके आगे का उद्योत नाम कर्म का। नीच गोत्र का उदय भी मुनि को होता नहीं, जो मुनि है उसके नीच गोत्र का उदय, उच्च गोत्री होते हैं उन्हीं को मुनि दीक्षा दी जाती है, नीच गोत्री को नहीं दी जाती। तो इस प्रकार से शेष रही 79 प्रकृतियों में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 2 प्रकृति मिलाने से, अब क्या है कि अभी तक ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का उदय अभी तक पांचवें गुणस्थान तक कहीं नहीं था, अभी आकर के मिला है यहां पर, तो ये छठे गुणस्थान में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का उदय भी हो जाता, तो इसमें मिला दिया तो 81 प्रकृतियों का उदय रहता।
आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं कि जिनका बंध आगे के गुणस्थान में होता है, उदय पीछे के गुणस्थान में होता है। ये ऐसी इकलौती प्रकृतियां हैं, इनका बंध तो सातवें गुणस्थान और आठवें गुणस्थान के प्रथम भाग में होता है। सातवें गुणस्थान और अपूर्वकरण के प्रथम भाग में इनका बंध होता है, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का। और इसका उदय कहाँ होगा? छठे गुणस्थान। उदय वहां होगा नहीं। नहीं, अंजन चोर प्रश्न ऐसा है कि अंजन चोर जैसे निज गोत्र में थे, नहीं वो निज गोत्र, वो चोर था, निज जाति में जन्म लिए थे उसने। चोर तो क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, चोर तो कोई भी हो सकता है। वो जो 500 चोरों की बात आती है, वो कौन सी, विद्युत चोर वगैरह जम्बू स्वामी के, तो वो क्षत्रिय राजकुमार था और किसी कारण से वो डाकुओं में मिल गया। हाँ, कोई कारण हुआ तो मिल गया, तो डाकुओं का सरदार बन गया, परंतु उच्च गोत्री था, प्रभाव चोर। पाँच सौ चौदह, थोड़ा रिवीजन करना, इसलिए अपन 10:30 तक चलाएंगे इसको। छठे गुणस्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का है? तो पांचवें गुणस्थान में 147 प्रकृतियों की सत्ता कही है। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति एक तिर्यंच आयु के घटाने पर 146 प्रकृतियों का सत्व रहता है, तो तिर्यंच आयु भी घटे, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 का ही सत्व है, वो 7 और घटा देना। 515 अप्रमत्त विरत नाम के सातवें गुणस्थान का स्वरूप क्या है? उत्तर, संज्वलन और नौ कषाय के मंद उदय होने से प्रमाद रहित संयम भाव होते हैं, इस कारण इस गुणस्थानवर्ती मुनि को अप्रमत्त विरत कहते हैं। मतलब संज्वलन कषाय का उदय तो छठे गुणस्थान में भी था, नौ कषाय का उदय भी छठे गुणस्थान में था, पर छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय का तीव्र उदय था। तीव्र उदय होने पर प्रवृत्ति हो सकती है, मंद उदय होने पर प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए अब यहां कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और नौ कषाय का भी मंद उदय है, इसलिए बुद्धिपूर्वक न हास्य होगा, न रति होगी, न अरति होगी, न शोक होगा, न भय होगा, न जुगुप्सा होगी, न वेद होगा, बुद्धिपूर्वक का कुछ भी होगा नहीं, वो शांत प्रशांत ध्यान में लीन गुप्ति में होगा। पांच सौ सोलह अप्रमत्त विरत गुणस्थान के कितने भेद हैं? दो हैं, स्वस्थान अप्रमत्त विरत और सातिशय अप्रमत्त विरत। 517 स्वस्थान अप्रमत्त विरत किसे कहते हैं? जो हजारों बार छठे से सातवें और सातवें से छठे गुणस्थान में आवे जावे, उसको स्वस्थान अप्रमत्त विरत कहते हैं। मतलब वो अपने सातवें गुणस्थान को छोड़ता नहीं है, छठे में जाएगा वापस सातवें में आएगा, छठे में वापस सातवें, उसमें स्थिर है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है इस अपेक्षा से उसको स्वस्थान अप्रमत्त विरत कहते हैं। 518 सातिशय अप्रमत्त विरत किसको कहते हैं? जो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हो, उसको सातिशय अप्रमत्त विरत कहते हैं। अब आगे बढ़ने की ओर उन्मुख है, अब इसके द्वितीय उपशम वगैरह जो भी होगा वो इसके होगा अथवा तो क्षेप। 519 श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन है? अब इसको स्पष्ट ज्यादा अच्छा समझना, श्रेणी कौन कौन चढ़ सकते हैं? हाँ, पर इसमें भी कौन कौन, क्षायिक सम्यक दृष्टि और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि ही श्रेणी चढ़ते हैं।
तो अब पहले तो सम्यक दृष्टि ही श्रेणी चढ़ता है, ये बात हुई। दूसरा बताएंगे कि मुनि ही श्रेणी चढ़ता है, ये बात हुई। और सम्यक दृष्टि में भी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं चढ़ सकता है, ये तीसरी बात हुई इसमें। अब आगे कौन किस किस में होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला भी नहीं चढ़ सकता है, वो चौथे गुण स्थान में ही होगा, और क्षायोपशमिक भी नहीं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला प्रथमोपशम सम्यक्त्व को छोड़कर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि होकर, देखो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला कैसे चढ़ेगा इनडायरेक्टली, कि सबसे पहले तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करें, फिर उसको छोड़ें, और उसको छोड़ करके क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो पहले प्रथम ही, फिर क्या करें, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का विसंयोजन करके, क्षायोपशम सम्यक दृष्टि हो गया, फिर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का विसंयोजन किया, अर्थात उसको अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप में कन्वर्ट कर दिया। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों का उपशम करके या तो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हो जाए, अथवा तीनों प्रकृतियों का क्षय करके क्षयिक सम्यक दृष्टि हो जाए, तब श्रेणी चढ़ने का पात्र होता है। तो पात्र कौन हुआ, क्षयिक सम्यक दृष्टि नहीं, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी हो गया, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि भी हो गया, पर उसको करना क्या पड़ेगा, पहले प्रथमोपशम को क्षायोपशमिक में बदलना पड़ेगा। अब क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि भी श्रेणी चढ़ सकता है, जैसे कोई सातवां गुण स्थान है तो उसमें क्षायोपशम सम्यक दर्शन है, उसको वर्तमान में मान लो मुनि अवस्था में जितने भी हैं उनके सबके क्षायोपशम सम्यक दर्शन ही होते हैं, बोले वो छठे सातवें गुण स्थान में तो भी सम्यक दर्शन क्षायोपशम ही है उनका। श्रुत केवली भद्र बाहु स्वामी का भी क्षायोपशम सम्यक दर्शन पंचम काल में, तो पर अभी श्रेणी चढ़ते नहीं है, पर कोई चौथे काल का मुनि है और उसके क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, अब उसको श्रेणी चढ़ना है तो क्या करेगा, या तो वो उस क्षयोपशम को द्वितीयोपशम में बदले, अथवा वो क्षयोपशम को क्षायिक में बदले, दो ही हो सकता है। तो उस क्षयोपशम को द्वितीयोपशम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके पास अभी जो अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी की सत्ता है, किसके, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को, तो उनको क्या करता है वो, कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तीनों की, वो दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों को तो उपशम करेगा, और उन अनंतानुबंधी आदि को क्या करेगा, उनको अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप बदल देगा। तो अभी उनके पास न तो मिथ्यात्व रहा, न सम्यक मिथ्यात्व रहा, न मिथ्यात्व प्रकृति रही, कोई भी उदय में नहीं है अभी उसके, और अभी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य सारा उनको दे दिया, अप्रत्याख्यानावरण आदि को दे दिया, वो खत्म ही हो गया उसके। इसका नाम द्वितीयोपशम कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, द्वितीयोपशम। अब वो एक एक करके श्रेणी में चढ़ेगा, और सबसे पहले 21 प्रकृतियों का वो क्षय करेगा, सबसे पहले अप्रत्याख्यानावरण क्षय नहीं उपशम, सबसे पहले अप्रत्याख्यानावरण का उपशम करता हुआ, फिर प्रत्याख्यानावरण का उपशम करता हुआ, फिर संज्वलन का उपशम करता हुआ 11वें गुण स्थान में वो चढ़ जाएगा। इस प्रकार से वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि का होता है। और अगर उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो उस क्षयोपशम को क्षयिक में बदले, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो क्षायिक में बदले, और क्षायिक में बदल करके फिर क्षपक श्रेणी चढ़ जाए तो 10वें से सीधे 12वें में चला है। इस प्रकार से ये श्रेणी चढ़ने का है। ये तो बद्ध अबुद्धिपूर्वक न पुरुषार्थ से ना, हाँ वो सब अबुद्धिपूर्वक का मतलब क्या, हमारा ही पुरुषार्थ हमारा ही है, उसको क्या अबुद्धिपूर्वक कहना, એટલે उपशम छे तो बुद्धिपूर्वक का मतलब आत्मा, उसका सहज पुरुषार्थ ये चल रहा है। हम उसको सोच सोच के नहीं कर सकते हैं, अभी मैं इस प्रकृतियों का क्षय करूंगा, ऐसा नहीं है, पर आत्मा अपना
आत्मा ने समस्त संसार की वासनाओं का क्षय कर दिया, अब कहां जाएगा? उस समस्त जगत में पाप पुण्य सब का क्षय कर दिया, अब मुझे अच्छा करना है ना मुझे बुरा करना है, अंदर से भावी समाप्त हो गए, उसका क्षय समिक सम्यक दर्शन क्षायिक में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको न तो अच्छा करने का भाव है न बुरा करने का भाव है, अब वो संसार में रहेगा कैसे? अब वो स्वरूप के अलावा जाएगा कहां? उसके थोड़ा सा भी भाव अंदर रह जाता है ना संसार का, यार चलो लोगों का कल्याण करना है, ये थोड़ा सा भी ओंडो ओंडो रह जाने उसका भाव बाकी है। वो सातवें गुण स्थान में भी आके देवायु का बंद करेगा, उपशम श्रेणी चढ़ेगा, अगर श्रेणी चढ़ना, वापस गिरेगा, देवलोक में जाएगा, मनुष्य में आएगा, वापस सब धर्म प्रभाव में आने, जो जो भी खटपट करनी है वो करेगा उसके, और फिर वो वापस जाएगा। परंतु जिसके कुछ नहीं करना है, इसलिए कृपाल देव ने कहा तेथी देह एकज धारी जासु स्वरूप स्वदेश रे। क्यों कहा? उनके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, व्यक्ति कैसे कह सकता है ऐसा? उनकी आत्मा में वो ढूंढते हैं सब जगह, यार मेरे कहां कहां कौन कौन सी वासना बाकी रही, वासना बाकी नहीं, अब शरीर कैसे धारण करेंगे? धारण करने का कारण तो होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, और हम कारण ढूंढते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं हम कारण ढूंढने का, हमको कोई कारण नहीं मिलता है। और इस कारण से हम कह रहे हैं तेथी देह एकज धारी जासु स्वरूप स्वदेश, इस प्रकार से वासना क्षय चढ़ सकता है, बिल्कुल चढ़ सकता है। हो अंतर्मूर्त में चौथे गुण स्थान वाले क्या बात करते हो? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसा? अनादि मिथ्या दृष्टि अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है और किया, भरत चक्री के 923 पुत्रों ने अंतर्मूर्त में ही किया, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव थे वो, इसलिए पुरुषार्थ की बलिहारी है। मुख्य पुरुषार्थ हमारा क्या होना चाहिए? अंदर से अपने आप को बहुत बहुत अनुसंधान करेंगे, जगत की वासना नहीं रहनी चाहिए। जब हमारा चित्त ऐसा जो अब मेरे कुछ भी नहीं बचा है, कहां जाएंगे हम? जो भी हो ना उसको खोल खोल के निकाल लो। अभी हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जागृति है, जितने भी अंदर से है ना खोल खोल के निकाल लो आप उसको। और जब यहां से प्रयाण करें ना अपन, उस समय ऐसा होना चाहिए, प्रयाण करें नहीं अभी ऐसा होना चाहिए, प्रयाण का पता ही नहीं अपने को कब प्रयाण करेंगे अपन। अब बहुत हो गया, अब क्या हो गया? बहुत हो गया। जो हमारे छोटे पढ़ते दुकान है, अब तक बहुत बह चुका पानी, ऐसी कहानी आती थी, वो कल सुनाएंगे, बहुत रोचक कहानी है वो, कि अब तुम्हारी चलेगी नहीं कर्मों को ऐसा। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणी। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद ओम। जय सतगुरु।